तो गाइस जो है हम आज करने वाले हैं अपने कुएं में जो गिरी हुई पन्नी है उसको निकालने के लिए। देख सकते हैं कितना भरा हुआ है कुआं, और आप कुआं वाला ब्लॉग देखे होगे उसमें जो है कितना गहरा है आपको पता चल जाएगा और कितना भरा है। देख सकते हैं गाइस, अब अपने इधर से एक एक पन्नी निकालेंगे। पहले ये वाली पन्नी निकालते हैं गाइस। यस, अरे गाइस ये तो नहीं निकलेगा लगता है, निकल गया। और भी कचड़े हैं गाइस यहाँ पे, देखते हैं साफ कर पाते हैं कि नहीं। बाकी यहाँ फटी हुई पन्नियाँ बहुत सारी है। अरे गाइस ये भी निकल गया गाइस। और कहाँ है कि ये छोटा सा निकलेगा गाइस कि नहीं पता नहीं, निकल गया। और इस साइड भी बहुत सारी पन्नियां हैं, इनको भी निकालते हैं। पूछ नहीं पा रहा हूँ, एक ये है। बहुत सारी पन्नी जो है ना उड़ के हवा कारण गिर जाती है इसमें, देखते हैं इसको। यस ये भी निकल गए। वो बड़ी वाली पन्नी जो है उसको निकाल के देखते हैं, टूट ना जाएगा इसमें, तो यहीं रह जाएगा। खींच लेते हैं। yes. ऐसा साफ रहता है तो कितना अच्छा लगता है। कलर देखो सिंपल वाला। आ जाओ, इसके लिए अपन को उस साइड जाना पड़ेगा। आ जा, आ गई एक और पन्नी। अरे छुट गई यार गाइस, बस का डंडा जो है बहुत वजन है और मुझे उठा नहीं पा रहा हूँ उसे। बच्चा वाला उस साइड से निकालते हैं इसको। तो पानी भी गिर रहा है गाइस, और मैं पानी में भीग रहा हूँ। तो ये देखो, ये आ गया कौन, और ये भी आ जाएगा। अच्छा ये सब गुटका की पन्नी टाइप लग रही है। अरे कहाँ जा रहा है, वजन भारी, इसमें कुछ भर गया। अब ये बड़ी वाली पन्नी निकालते हैं गाइस। आ जाओ, इसको ऐसा करके। गाइस तुम्हें अपना कुआं देखो कितना साफ दिख रहा है। और बाकी ये पीपल की पत्ती है और पन्नी भी है साथ में। तो गाइस चलो इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी निकल गया। और बाकी तो पीपल की पत्तियां हैं, अब निकली नहीं पता, निकल जाए तो अच्छी बात है। अरे नहीं निकल रही है। तो गाइस ये था अपना कुआं साफ वाला ब्लॉग, मिनी ब्लॉग।